हर हर महादेव। तो गाइस अब पता क्या है, दर्शन तो हो गया, मैं बहुत बढ़िया। भोलेनाथ की कृपा से भाई मजा आ गया। क्यों करण, मजा आया ना? तो भोलेनाथ की कृपा से दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया। बट गाइस जितना चढ़ना मुश्किल है ना, उतरना भी थोड़ा उससे कम मुश्किल है, क्योंकि बट है मुश्किल, क्योंकि यार बहुत ही 90 डिग्री का एकदम एंगल होता है और इतने बड़े बड़े पत्थर है। तो करण से पूछो कितना मुश्किल है। हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारे महादेव। तो गाइस फाइनली नीचे उतर गए और पता क्या चल रहा है यहाँ पे, हमारा ब्रेकफास्ट। तो कितने बजे, कितने बजे टाइम? 2 बज गए। टाइम क्या हुआ भाई, टाइम क्या हुआ, किसकी टोपी, टाइम क्या हुआ आपकी, किसकी है टोपी आपकी थी? तो भाई जी देखो खाने के में क्या है, रोटी और साथ में आलू। 10 बज के 31 मिनट बस सोलह सही है गाइस, 10 बजे है और 10 बजे हम पूरा दर्शन दर्शन करके वापस आ गए। अब हम नीचे स्टार्ट भी कर चुके हैं, तो स्पीड अप करते हैं। और रोटी देखो एकदम बढ़िया, आलू भी बहुत बढ़िया है। तो यार ये देखो यार, हम वापस आ गए हैं पार्वती कुंड में। जो ट्रैक था वो हम कर रहे हैं, दर्शन बहुत बढ़िया हो गए। रास्ता बड़ा ही भयंकर था, उतरने में भी भाई हालत ख़राब हो गई, मतलब मज़ा ही आ गया। तो भाई ये वो पहाड़ है जो रात को हमने चढ़ा था, तो जो हम रात को अभी हम नीचे उतर रहे हैं। तो ये देखो यार, ये पूरी खड़ी चढ़ाई बिल्कुल टॉप पे वहाँ गए, उसके बाद फिर इस पहाड़ के ऊपर, इसके टॉप पे ऊपर जाके और ऊपर जाके वहाँ पे किन्नर कैलाश आता है। तो भाई ये देखो यार, और अभी नीचे दिखाऊँ आपको, ये देखो जितना हम नीचे, उतना आपको चढ़ाई दिखे उतनी उतराई है। और हमें जाना है वो उस पहाड़ पर, उस पहाड़ के बाद हमें जाना है नीचे, वहाँ से उस पहाड़ से नदी पर। तो भाई सोच सकते हो कि कितनी क्रेजी हाइट है यहाँ की। और भाई उतरते उतरते भाई पैरों में दर्द हो गई है, क्योंकि काफ़ी किलोमीटर उतार दिए और एल्टीट्यूड काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि हम काफ़ी 22,000 एल्टीट्यूड से काफ़ी नीचे आ गए हैं अब इस टाइम पे। तो चल रहे हैं, बट पैरों की लगी पड़ी। और सड़कें देखो ऐसी है, पत्थरों वाली, पत्थर लगे पड़े हैं, मतलब सिर्फ कोई पक्का रास्ता नहीं है, सिर्फ पत्थर है। तो गाइस ये देखो यार, करण को ये थोड़ी देर पहले पता है क्या क्लेम कर रहा था। तो करण से पूछो कितना मुश्किल है। हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, कितना मुश्किल है, हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो गाइस ये देखो यार, करण की हालत हो रखी है, इसको पकड़ पकड़ के बंदे नीचे ले जा रहे हैं। भाई साहब इसकी हालत सबसे ज़्यादा यहाँ ख़राब हो गई थी। तो ये देखो गाइस, आगे और वीडियोज़ दिखाऊंगा मैं करण की, जो उतरते उतरते हालत ख़राब हुई है। 2 बंदे इसके साथ चले थे, इसका सामान किसी और ने उठाया था। तो गाइस ये है गणेश गुफा, तो जो वो सामने है गणेश पास, तो वहाँ रुके थे। तो उसके बाद जो वहाँ से हम ट्रैवल करके रातों रात यहाँ आए थे, तो रात को मैंने आपको दिखा नहीं पाया था क्योंकि लाइट तो थी नहीं। तो देखो यार ये ऐसी दिखती है और काफ़ी ऊपर है एल्टीट्यूड लेवल, इसका भी काफ़ी हाई है। तो देखो नीचे जो रिवर लेवल है वो काफ़ी नीचे है। ये देखो आपको साइड से दिखाता हूँ यार इसको, ये देखो यार क्या गजब लग रही है भाई, क्या देख रहे हो। और अंदर इसके अंदर गुफा है पूरी, जहाँ पे मस्त आप सो हो सकते हो, ये पूरी गुफा है अंदर। तो भाई ये थी गणेश गुफा जो कि रास्ते में आती है day 2 में। तो अभी मैं day 3 में दिखा रहा हूँ आपको ढंग से, क्योंकि day 2 में रात को हम ट्रैवल किए थे पूरा पूरा। तो देखो हम रात को स्टार्ट किए थे हम 1:30 बजे वहाँ से, तो 1:30 बजे वहाँ से निकले थे, पूरा घूमते फिरते यहाँ से ये करते हुए रिवर क्रॉस करके फिर यहाँ ऊपर चढ़े थे। भाई साहब बहुत ही टफ ट्रैक है भाई, बहुत ही टफ। भाई ये देखो यार, ये रास्ते हैं जो हमने रात को कवर किए थे, पूरा स्लाइड वाला एरिया देखो, यहाँ पूरा ग्लेशियर का पानी आता है, बट अभी सूखा हुआ है फिलहाल, बट स्टिल रिस्की। ये देखो नीचे पूरा रिवर बेड, और ये देखो ऊपर, ओफ अब जो आप आने वाली है तगड़ी चढ़ाई भाई, ओफ ये देखो पूरा उस पहाड़ के टॉप पे जाना है। तो गाइस रात को आपको एक और चीज़ नहीं दिखा पाए थे जो कि थी ये रिवर क्रॉसिंग। तो ये देखो गाइस, ये ग्लेशियर से पानी आ रहा है ऊपर से, वहाँ पे ऊपर ग्लेशियर है जो कि किन्नर कैलाश का ही ग्लेशियर है। तो ठीक है, गंगा रिवर आती है यहाँ से। तो ये देखो गाइस, ये फ्रेश बर्फ़ का पानी है, और गाइस ये पानी इतना ठंडा है ना, आप बिलीव नहीं कर पाओगे भाई।
जब आप इसमें पानी की बॉटल में से भरते हो ना तो बॉटल पूरी फ्रॉस्ट हो जाती है। तो वैसे पानी इतना ठंडा है क्योंकि डायरेक्ट ग्लेशियर से आ रहा है और प्योर भी उतना ही है। तो ये भी एक हैपनिंग चीज़ है यहाँ की कि रिवर क्रॉसिंग है, कोई ब्रिज वगैरह नहीं है। और हमारे दो ट्रैकर पहुँच गए हैं लाठियाँ लेके। करण इधर देख। हेलो मैं आपको चढ़ाई का एक डेमो दिखाता हूँ। ये ट्रैक जा रहा है और ये देखो सामने जिग जैक जिग जैक जिग जैक जिग जैक। ये पूरी इंक्लाइन 90 डिग्री से भी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है जो ऊपर उस पहाड़ पे जाएगी। हमें आई थिंक कुछ ही मीटर्स में हमारे को ऊपर तक पहुंचा देगी, बट भाई इसको घंटे लग जाएंगे इसको चढ़ने में। अब भाई आप देख रहे हो इंक्लाइन एंगल क्या है उस गाड़ी उस रोड का। ओ बाप रे बाप भाई, श्रीखंड, सॉरी श्रीखंड कह रहा हूँ यार, किन्नर कैलाश की यात्रा भाई आसान नहीं है। भोलेनाथ पूरा आपका टेस्ट लेते हैं कि कितने आप कैपेबल हो, कितने आपने अपने आप को मेंटेन किया है, कितनी आपकी फिजिकल फिटनेस है, तभी आप यहाँ पहुँच पाओगे। वो देखो ओह जूम करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस कुछ इसी तरह ही हम नीचे उतरते उतरते अलग अलग टेरेन से चलते रहे, चढ़ाई उतराई, बहुत सारे पथरीले रास्ते, जंगल। तो गाइस ये वीलॉग जो है डे 4 बेसिकली चौथा वीलॉग है इस सीरीज़ का। तो मैंने इस वीलॉग में ऑलरेडी 3 वीडियोस डाल चुका हूँ जो कि डे 1 डे 2 डे 3 मैंने कंपाइल किया है। तो गाइज़ होप आपने सारी वीडियोस देखी हो, लाइक किए हैं और उनको शेयर भी किया है। तो गाइज़ थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड लव यू ऑल। मिलते हैं जल्दी से अपनी अगली वेब सीरीज़ में जो कि होने वाली है मनी महेश की यात्रा। तो गाइज़ ये यात्रा जो है सबसे कठिन यात्रा है जो पाँचों के लॉश में से है। तो गाइज़ बहुत ही मज़ेदार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज़ मेरी रिकमेंडेशन पे इस यात्रा को एक बार ज़िंदगी में ज़रूर करना, क्योंकि ये इतनी सुंदर यात्रा साथ साथ इतनी डिफ़िकल्ट यात्रा है कि गाइज़ आप ज़िंदगी भर इस चीज़ को अपने साथ लेके जाओगे और मेसमराइज़ करोगे कि मैं यहाँ गया था। तो गाइज़ वीडियो जस्टिफाई नहीं कर सकती इस जगह को, ये जगह इस वीडियो से कहीं ज़्यादा सुंदर और कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है। तो गाइज़ सब्सक्राइब कर दो। अभी जल्दी से हमारा नई सीरीज़ आने वाली है मनी महेश यात्रा की। तो अगली यात्रा जो हमारी होने वाली है वो मनी महेश कैलाश की यात्रा होने वाली है गाइज़। तो इसीलिए बने रहो साथ में। और गाइज़ अगर आपको इस यात्रा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी अपडेट चाहिए तो गाइज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। तो गाइज़ बहुत ही अमेजिंग यात्रा ये रही है और बहुत ही सारे पड़ाव हैं इस यात्रा के। तो कुछ भी है जो भी है आप कमेंट सेक्शन में पूछो। और गाइज़ ये व्यू देखो यार, इसे कहते हैं जन्नत, असली जन्नत। करेगी मौज।